हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकीनास क्रिएटिव्स कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चौराई का सब्जी, चौराई आलू। बंगाल में हम चौराई बोलते हैं और गुजरात में बोलते हैं चोरी। तो इसका सब्जी हम आज आपको बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनता है और आप जरूर बनाओगे और मुझे कमेंट करोगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सकीनास क्रिएटिव्स को आप जरूर साथ दोगे। तो चलिए बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बरबट्टी, यानी कि चोड़ी, चोड़ी का सब्जी। चोड़ी को हमने ऐसे ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। तीन आलू काटे हुए हैं, टमाटर, जीरा, तेल, प्याज और हल्दी मिर्चा, धनिया और लहसुन चाहिए हमको। तो चलिए हम बघारना स्टार्ट करते हैं और स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक। अभी हम गैस को स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम बनाएंगे ऑलिव ऑयल में, तो ऑलिव ऑयल का तेल डालेंगे थोड़ा सा। पचास ग्राम जितना हम ऑलिव ऑयल का तेल डाल चुके हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अभी हम क्या डालेंगे, पहले सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा जीरा और उसके बाद तुरंत प्याज। भी हम प्याज को लाल करेंगे, उसके बाद अंदर लहसुन देंगे। बड़ा एक चम्मच हमने ये लहसुन का लिया हुआ है, उतना लहसुन अंदर वघार में देंगे। और दो टमाटर बड़े बड़े काट के रख लिए। ये हल्दी मिर्चा धनिया भी है। आगे हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। प्याज अभी लाल होने में हमको 2 मिनट के बाद लाल हो जाएगा हमारा प्याज, तब हम लहसुन और ये बरबट्टी जो काट के रखी है वो सबसे पहले डालेंगे। अभी हम इस टाइम पे ये लहसुन जो हमने बड़ा एक चम्मच लिया है उसको हम दे दिया अंदर में। प्याज हमारा लाल हो चुका है। ये अभी हम जो बरबट्टी है वो डाल दिया है मैंने। ये हमने बरबट्टी डाला हुआ है। बरबट्टी को हम थोड़ी देर के लिए तेल में, ताकि हमारा थोड़ा तेल में फ्राई हो जाए बरबट्टी। स्वाद अनुसार हम नमक देंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच हमको नमक अभी चाहिए। अगर जरूरत पड़ा तो हम फिर दे देंगे। आलू हमको अभी नहीं देना है, थोड़ा ये बरबट्टी को तेल में फ्राई करने के बाद देना है, थोड़ा सा पकाने के बाद। अभी थोड़ा फ्राई हो रहा है, ये हमारा थोड़ी देर हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले आलू देंगे, फिर आलू के साथ थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद टमाटर देंगे, उसके बाद हल्दी मिर्चा धनिया देके थोड़ी देर और पकाएंगे तेल में, उसके बाद आधा का गिलास पानी देंगे। ये हम आलू दे चुके हैं, बरबट्टी आलू बना रहे हैं हम आज। थोड़ी देर हमारा आलू फ्राई हो चुका है इसके अंदर। अब हम इस टाइम में क्या करेंगे, इसे बीच में करके थोड़ा टमाटर दे देंगे बीच में, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे टमाटर को। इस तरह बनाने से बहुत ही टेस्टी बरबट्टी का सब्जी बनता है। अब थोड़ी देर धीमा आंच में उसको पकने देना है टमाटर को। इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर टमाटर को। अब इस टाइम क्या करेंगे हम, जो हल्दी मिर्चा धनिया हमने बड़ा एक चम्मच मिर्चा लिया है, बड़ा एक चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी लिया है आधा चम्मच। अब इस टाइम हम इसमें ही डाल देंगे इसको पकने के लिए टमाटर के साथ ही। पहले बीच में पकाएंगे टमाटर के साथ मसाले, उसके बाद हम पूरा मिला देंगे। ये हमारा टमाटर बीच में थोड़ा पकने देंगे। अभी हम इसको फिर से बंद कर देंगे और धीमा आंच में ही पकाएंगे। अब हम देख लेते हैं, सबको ऐसे मिला लेते हैं मसाले को। बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगा है।
देखिए एकदम टेस्टी। ये मेरा मिर्चा लाल है लेकिन झाल नहीं है, तीखा नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे आज हम जो बनाए हैं वो बरबट्टी आलू, हम थोड़ा चख लेते हैं, थोड़ा सा नमक का जरूरत है। ये थोड़ा सा हम अभी नमक दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा फीका लग रहा है हमको नमक से, पहले आधा चम्मच दिया था अभी थोड़ा सा और दिया। आप भी अपना स्वाद अनुसार नमक यूज कर सकते हो। इस तरह बनाने से बरबट्टी सब्जी बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनेगा आपका। इस टाइम हम थोड़ा सा पानी देंगे, ये हमारा तेल छूट गया है पूरा सब्जी में और आलू फ्राई हो गया है, चोरी फ्राई हो गई है। अभी हम इसमें खाली 3 सीटी लगाएंगे, तो अभी थोड़ा सा पानी देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देना है। हम थोड़ा सूखा बनाएंगे सब्जी रोटी में खाने के लिए, इसलिए पानी का इतना ज़रूरत नहीं रहता है। 1 कप जितना खाली पानी दे दिया हम, अभी इसमें 3 सीटी आएगा और हमारा आलू चोरी सब एकदम से मस्त पक जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए अभी हम सीटी लेते हैं उसके अंदर, गैस कम करेंगे बंद। अभी हम इस टाइम पे हमारा सब्जी एकदम मस्त बन चुका है, बहुत ही एकदम शानदार लग रहा है। अभी हम 3 सीटी लेंगे और गैस को बंद करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जी खाने के लिए एकदम तैयार। ये हम अभी गैस को बंद कर रहे हैं, हमारा 3 सीटी हो चुका है। अभी गैस को कर दिया बंद, अब ठंडा होने के बाद थोड़ा सब्जी बाहर निकाल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा बनाए, कितना टेस्टी बनता है। कोई गरम मसाले का जरूरत नहीं है, ओनली जो नॉर्मल मसाला पड़ता है उससे ही एकदम टेस्टी बन जाता है ये सब्जी। ये हमारा सब्जी तैयार हो गया है, अब हम क्या करेंगे इसको खोल रहे हैं। वाओ, सूखाई सब्जी बनाना था और हमारा सूखाई एकदम टेस्टी वाला सब्जी बन चुका है। चलिए हम परोस के देखते हैं, खाने के लिए परोसेंगे। ये हमारा वेजिटेबल सब्जी खाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी और मजेदार बना हुआ है। आप इस तरह चौराई का सब्जी बनाओगे, न गरम मसाला देना है न कुछ, ओनली हल्दी मिर्चा धनिया लहसुन प्याज और तेल से वघार करना है। आपका एकदम बेस्ट सब्जी बनेगा और आप मुझे जरूर कमेंट करना कि कैसा सब्जी लगा आपको। आप बनाओगे इस तरह, सकीनास क्रिएटिव्स को जरूर कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। ओके फ्रेंड्स, बाय।